हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं देव आर्यन एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट हुआ हूँ मैथ के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को लेकर। आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के अल्टरनेट डेज क्वेश्चंस को लेकर। एकांतर रूप से काम करते हैं या काम की शुरुआत मान लीजिए ए करता है तो अगले दिन वह बी करता है, या फिर आप बी काम की शुरुआत करता है तो अगले दिन ए करता है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन वाले सवाल को हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस को। कहता है कि ए अकेला एक काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। हमारे पास क्वेश्चन है कि ए जो है एक काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है और जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें। यानी अल्टरनेट डेज क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। पहला कहता है तथा ए आरंभ करे, यानी पहला दिन ए आपका काम करता है तो दूसरे दिन जो है बी आपका काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा। इस तरीके से वो काम चलता रहेगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है। तो हमें यही पूछा जा रहा है कि इस प्रक्रिया में जो है काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो ए हमारा 10 दिन कर रहा है, बी हमारा 15 दिन कर रहा है, तो हम इसका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम एक प्रकार से जो है टोटल वर्क को दर्शाता है। 10 और 15 का एलसीएम हो गया हमारा 30, यानी हमारे पास टोटल वर्क 30 यूनिट्स है, 30 यूनिट। 10 से हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 3 और ये हमारा 2। ये उन दोनों के एफिशिएंसी को दर्शाता है, यानी ए की एक दिन में एफिशिएंसी 3 यूनिट है और बी की एक दिन में एफिशिएंसी 2 यूनिट है। अगर हम बात करें ए पहला दिन तो 3 यूनिट कर रहा है और बी दूसरे दिन तो 2 यूनिट कर रहा है, यानी ए और बी 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन में ए और बी मिलकर 5 यूनिट काम को कंप्लीट कर पाते हैं। 5 यूनिट काम 2 दिन में, 5 यूनिट काम। अब आपके पास टोटल वर्क है कितने, 30 यूनिट। तो ऐसा कोई डिजिट लेना है जिससे आप उसको मल्टीप्लाई करें तो 30 यूनिट हो जाए या फिर उसके आसपास रहें। ऐसा कौन सा डिजिट है, वो हमारा 6 है। 6 × 5 = 30, 30 यूनिट। इसी 6 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल 12 दिन में 30 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। ये टोटल काम करने के दिन हो गए 12। ए हमारा 10 दिन, बी हमारा 15 दिन, एलसीएम यानी टोटल वर्क हमारा 30, एफिशिएंसी 3 और इसका एफिशिएंसी 2, तो 3 × 2 = 5 यूनिट आपका 2 दिन में काम होता है। एक ऐसा डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, या तो टोटल वर्क ला दे या फिर टोटल वर्क के पास में पहुंच जाए। तो एक ऐसा डिजिट हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 × 5 = 30, तो हमारा जो है यहाँ पे 30। यहाँ भी हम उतना ही डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 2 = 12, यानी हमारा जो है टोटल वर्क 12 दिन में कम्प्लीट होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी प्रकार से है। ए अकेला किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है जबकि बी अकेला उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है यदि ए काम की शुरुआत करे। यानी इस बार भी जो है हमारा ए फर्स्ट डे कर रहा है तो दूसरे दिन हमारा बी कर रहा है। इस तरह अल्टरनेट डेज में काम करता जाएगा। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कि हमारा सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसका एलसीएम हम लेते हैं, 16 × 12 का एलसीएम हो गया 48, टोटल वर्क हमारा 48 हो गया। तो ये हमारा 16 × 3 = 48 और ये 12 × 4 = 48, यानी ए की एफिशिएंसी एक दिन में 3 यूनिट और बी की 4 यूनिट है। तो हम बात करते हैं ए और बी की 2 दिन की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल एफिशिएंसी होता है 7 यूनिट, 7 यूनिट काम हो जाएगा आपका 2 दिन में। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आप 7 यानी यहाँ पर डिजिट को एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका टोटल वर्क ला दे। तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो 7 के मल्टीपल में जो है 48 आ जाता हो, तो उसके आसपास हम रहेंगे। जैसे 7 × 6 = 42,
यानी हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका जो है, और 7 से आप नहीं कर सकते हैं, 7 × 49 यानी आपका जो है टोटल इससे बाहर हो जाएगा, इसलिए 7 × 6 = 42 यानी 42 यूनिट जो है काम हमारा जो है, जितना से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उतना से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 12 दिन में हमारा 42 यूनिट काम हो चुका है। लेकिन काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी हमारे पास 6 यूनिट काम बचे हुए हैं। और काम की शुरुआत जो है ए करता है, क्योंकि ए और बी का हमने जो है कॉम्बिनेशन लिया तो हमारा जो है 42 यूनिट्स आया। अब हमारा ए अगले दिन काम करेगा 3 यूनिट, यानी अगर हम एक दिन और बढ़ा लें तो हमारा 3 यूनिट काम हो जाएगा, जबकि हमारे पास शेष 6 यूनिट थे पहले। अब चूंकि एक दिन में वह 3 यूनिट काम कर लिया है तब हमारे पास 3 यूनिट काम रह गया है, 3 यूनिट काम जिसको वह बी करेगा, बी उस शेष बचे 3 यूनिट काम को करेगा। लेकिन बी की इफिशेंसी है एक दिन में 4 यूनिट करने की, तो 4 यूनिट काम अगर एक दिन में करता है तो 3 यूनिट काम करने में उसे 3/4 दिन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हमारा जो है 4 यूनिट काम जो है एक दिन में करता है तो हमारा 1 यूनिट काम होगा 1/4 दिन में, और हमारा 3 यूनिट काम होगा 3/4 दिन में। तो यही हमारा टोटल हमारा जो है टाइम हो गया है 6 × 12 = 13 यानी 13.3/4 दिन में ये टोटल काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। आई होप आप समझ रहे होंगे इस बात को। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर देखते हैं, सेम क्वेश्चन इसी तरह से हमारा। ए 9 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, काम की शुरुआत अगर ए करे तो कितने दिन में ये टोटल काम कंप्लीट होगा। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है आपका, ए आपका 9 दिन में, बी आपका 12 दिन में, तो एलसीएम आपका जो है 36 हो जाएगा, 9 × 36 12 × 3 = 36। अगर हम बात करें इसी तरह से ए की काम की शुरुआत कर रहा है ए एक दिन और बी एक दिन, अगर हम बात करें दो दिन की बात करें तो हमारे पास 7 यूनिट काम हो जाएगा, 7 यूनिट काम हो जाएगा दो दिन में। तो हम यहाँ पे जो है 36 लाने की कोशिश करेंगे, जो कि नहीं आ पाएगा तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 यूनिट, और यहाँ भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 दिन में आपका जो है 35 यूनिट काम हो चुका है। अब आपके पास एक यूनिट काम बच रहा है और उस काम को करेगा कौन, ए करेगा। तो ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, यानी 4 यूनिट काम एक दिन में, तो आपका एक यूनिट काम जो है 1/4 दिन में कंप्लीट करेगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 10.1/4। अगर हम इसी क्वेश्चन को, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि बी काम की शुरुआत करें, तो अगर हम इसको बी काम की शुरुआत करता है तो फिर हम इसको भी लेकर देखते हैं कि किस प्रकार से वो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चंस में हमारा जो है ए शुरुआत कर रहा था तो हमारा आंसर है 10.1/4। अगर इसी क्वेश्चंस को हम जो है बी से शुरुआत करवावें, यानी अब इस काम को जो है बी शुरुआत करेगा और उसके बाद ए, फर्स्ट डे बी और दूसरे दिन ए, इस प्रक्रिया से चलते हुए अल्टरनेट डेज में कितने दिनों में ये काम ख़त्म होगा, तो हम देखते हैं ए हमारा जो है 9 और बी हमारा 12 दिन में, तो उसी प्रकार से हमारा एलसीएम 36। अब ये हमारा टाइम की बात करते हैं ए और बी की, तो हमारा दो दिन में जो है 7 यूनिट काम आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर हम 7×35 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 10 दिन में हमारा जो काम 35 यूनिट्स हो चुका है। अब चूंकि यहाँ पे जो है एक यूनिट बच चुका है तो एक यूनिट जो है कौन करेगा, तो यहाँ शुरुआत बी कर रहा है, तो बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो एक दिन यानी 3 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है तो हमारा एक यूनिट काम करेगा 1/3 में, यानी हमारा टोटल डेज आ जाएगा 10.1/3 दिन। यानी अगर हम इधर से उधर उलट फेर कर देते हैं तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लेकर देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आने की कोई बात ही नहीं है, आपको इतना बेहतर तरीके से समझा रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तब तो जो है आपका जीना ही बेकार है। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए इस काम को यानी शुरुआत जो है ए ने कर दिया है। अब बी तथा सी, बी और सी यहाँ पे कह रहा है, अलग अलग नहीं है यहाँ पे। बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन, यानी पहला दिन आपका ए कर रहा है, दूसरे दिन आपका ए कर रहा है, और जब तीसरा दिन होता है तब आपके जो हैं बी भी साथ देता है और सी भी साथ देता है उसके तीसरे दिन में। और ये फिर इसी प्रक्रिया को लेते हुए काम को अल्टरनेट डेज में ख़त्म करता है। वो कितने दिन में कंप्लीट होंगे, ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप आंसर जानते होंगे, 15 होगा इसका आंसर। RS अखबारा बुक में या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो ए आपका जो है 20 दिन, बी आपका 30 दिन और सी आपका 60 दिन। LCM यानी टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो गया। ए एक दिन में जो है 3 यूनिट करेगा, 30 दुनी 60 2 यूनिट, और ये आपका 1 यूनिट। हम अगर बात करें ए ए ए यानी इस तीनों की, अगर हम बात करें यानी 3 दिन की हम बात करने जा रहे हैं, 3 दिन की, तो 3 दिन में हम क्या देख रहे हैं, ए जो है हमारा तीनों दिन वर्क कर रहा है, पहला दिन भी कर रहा है, दूसरा दिन भी कर रहा है और तीसरा दिन भी कर रहा है। तो अगर ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 3 दिन में वो कर लेगा 9 यूनिट काम। तो 9 यूनिट काम ए किया है, बी एक ही दिन कर रहा है वो भी तीसरा दिन, तो आपका 2 यूनिट करेगा और सी आपका 1 यूनिट। इस प्रकार से 3 दिन में 12 यूनिट काम उसने कर लिया है, 3 दिन में 12 यूनिट काम। और 12 से फिर हम किसी एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको 60 ला दे यानी टोटल वर्क ला दे, और ऐसा डिजिट हमारे पास है 5। 12 पचे 60, इधर आपका 60 यूनिट काम हो गया, कंप्लीट हो गया, और इधर हमारे पास दिन लग गए 5 तिहाई 15 दिन। बहुत सारे एग्ज़ाम में या बहुत सारे किताब में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। नहीं समझ आने की तो बात ही नहीं है, माथा फोर के भी जो है समझाना पड़ेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन लेकर हम देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए 20 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में करे, सी 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकता है। तो बताएं कि बी तथा सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर, अभी बी तथा सी एक साथ नहीं काम कर रहा है, बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेता है वो, बी तथा सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन शुरू से ही कह रहा है क्वेश्चन में कि आपका जो है ए काम कर रहा है लेकिन उसके साथ पहला दिन बी कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट डे में ए और बी दोनों कर रहे हैं, अगला दिन ए भी काम कर रहा है लेकिन बी के जगह पर सी आ गया है, और यही काम इस प्रक्रिया के अल्टरनेट डेज में कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है ए हमारा 20 दिन में, बी हमारा 15 दिन में, सी हमारा 12 दिन में। सबसे पहले हम LCM लेंगे, तो LCM हमारा 60, 3 यूनिट, 4 यूनिट और ये आपका 5 यूनिट। अगर हम बात करें 2 दिन की, यानी 2 दिन की अगर हम बात करें, तो हम देख रहे हैं कि ए जो है हमारा पहला दिन भी किया है और ए दूसरे दिन भी किया है। तो ए एक दिन में 3 यूनिट, तो 2 दिन में 6 यूनिट काम हुआ है। बी तो एक ही दिन कर रहा है तो आपका 4 यूनिट करेगा, और सी भी एक ही दिन कर रहा है यानी 5 यूनिट करेगा, यानी दोनों सॉरी तीनों मिलकर 15 यूनिट काम आपका जो है कर देगा 2 दिन में।
15 यूनिट कम, अब हमको लाना है 60, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 चौका 60 यूनिट, और वही डिजिट से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हमको मिल गया 8 डेज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेकर देखते हैं। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः, यानी ए हमारा जो है 11 दिन में कर रहा है, ए हमारा 11 दिन में, बी हमारा 20 दिन में और सी हमारा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी, यानी फर्स्ट डे ए के साथ बी काम करेगा और फिर दूसरे दिन ए के साथ सी काम करेगा, और इसी प्रक्रिया से यह अल्टरनेट डेज में जो है काम चलता रहेगा जब तक ख़त्म नहीं होता है। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि वह काम जो है अल्टरनेट डेज में कितने दिन में ख़त्म होगा। तो हमारा जब दो दिन की बात करते हैं, दो दिन की, सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हमारा जो है 11 20 55 55 चौका 220, 11 दूनी 22 और ये 55 चौका। ए एक दिन में 20 यूनिट, बी हमारा है 11 यूनिट और सी हमारा 4 यूनिट। तो हमारा दो दिन में कितना काम होता है, तो दो दिन में हम देख रहे हैं ए हमारा दोनों दिन काम कर रहा है, एक दिन में 20 यूनिट तो दो दिन में 40 यूनिट, तो दो दिन में तीनों मिलकर 55 यूनिट काम कर देता है दो दिन में, और हमारे पास टोटल वर्क है 220 दिन। तो हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट से, 55 चौका 220, यहाँ भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारा जो है काम 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इस बार एनटीपीसी और ग्रुप डी में आने की संभावनाएं भी हैं। पिछले 2018 में आपका ग्रुप डी और एलपी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, बड़े बड़े टाइम एंड वर्क वाले भी क्वेश्चन आए हैं, उसको भी मैं एक दिन कराऊंगा। तो फिलहाल अगला क्वेश्चन लेकर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ए बी तथा सी अलग अलग एक काम को, ए हमारा जो है 18 दिन कर रहा है, तो बी हमारा 24 दिन और सी हमारा 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन सी करता है, यानी इस क्वेश्चन में फर्स्ट डे आपका सी करता है, फिर दूसरे दिन बी करता है और तीसरे दिन ए करता है, चौथे दिन फिर सी, फिर पांचवें दिन बी, फिर छठे दिन ए, यानी अल्टरनेट डेज चलता रहता है जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता है। कार्य समाप्ति होने में कुल कितने दिन लगेंगे, 18, 24 और 36 का आपका एलसीएम हो जाएगा 72, ये आपका 4 यूनिट, ये 3 और ये 2 यूनिट। अगर हम समय की बात करें, ए और बी और सी के तीन दिन की बात करें, तो हमारे पास 4 3 7 और 2 9 यूनिट काम हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हमको लाना है यहाँ पे 72, तो आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 यूनिट्स, और जितना से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया वहाँ इतना 24 डेज, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन, इसको अल्टरनेट डेज क्वेश्चन कहते हैं, आप सीख चुके होंगे। आप किसी भी बुक से लेकर आप उसको ट्राई कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चंस को डाल दीजिए, हम अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे ज़्यादा हार्डली क्वेश्चंस भी आपके जो इस बार 2018 में एएलपी में भी आए हुए हैं, तो आप उस क्वेश्चंस को भी बनाइए, अगले वीडियो में हम उस टाइप के क्वेश्चंस को भी डालेंगे। चलिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।